isn't a pit. Chaos is a ladder. If you have any last words, now is the time. हमारे अंबानी भैया ने ये जो सडन ओटीटी की दुनिया में एंट्री मारी है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अमेज़न प्राइम एंड हॉटस्टार को। बट 27 अप्रैल को जियो सिनेमा एंड वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की नई डील ने पूरे स्ट्रीमिंग की दुनिया को हिला के रख दिया है। बट 7 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार ने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से वो HBO के सारे कंटेंट को रिमूव कर देंगे। हालांकि जो HBO कंटेंट की स्ट्रीमिंग हो रही है आज से जियो सिनेमा पर, वो अभी आप फ्री में देख सकते हो, बट IPL के खत्म होते ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मार्केट में एक बार फिर से आ गए हैं मुकेश भैया एक नई डील के साथ, और हमें तो पता ही है कि जब भी वो एक नई डील लेकर आते हैं तो बाकी सारी कंपनीज को तो डुबा ही देते हैं। मैं बात कर रही हूँ मुकेश अंबानी की। 2016 में 4G जियो सर्विस फ्री देकर उन्होंने इंडिया की पब्लिक का तो दिल जीत ही लिया था। बाद में उस स्कीम को एक्सटेंड करके उन्होंने जियो टेलीकॉम सर्विस को इंडिया का टॉप प्लेयर बना दिया था। फ्रेंड्स, OTT के बादशाह अभी तक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम एंड डिज्नी हॉटस्टार थे, बट अब अंबानी ने भी अपने कदम स्ट्रीमिंग की दुनिया में रख दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2023 में अंबानी की रिलायंस वायाकॉम 18 ने IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मेजर शेयर ले लिया था एंड साथ में IPL स्ट्रीमिंग राइट्स पर अपना झंडा लहरा लिया था। अब जियो सिनेमा पर IPL को फ्री में स्ट्रीम किया जा रहा है। फ्रेंड्स, IPL पहले हॉटस्टार पे स्ट्रीम किया जा रहा था, और यार अभी तो हॉटस्टार इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था। और एक नई न्यूज आई है कि जियो सिनेमा ने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ एक नई डील कर ली है, एंड इस डील के अकॉर्डिंग HBO के सारे कंटेंट एंड वॉर्नर ब्रदर्स के सारे कंटेंट अब जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किया जाएगा। फ्रेंड्स, HBO के सारे कंटेंट इंडिया में डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा था, बट 7 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार ने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से वो HBO के सारे कंटेंट को रिमूव कर देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद काफी अफरा तफरी मची और व्यूअर्स में काफी निराशा आ गई थी। 31 मार्च को हॉटस्टार ने HBO के सारे कंटेंट जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, द लास्ट ऑफ अस जैसे सारे पॉपुलर सीरीजेस को रिमूव कर दिया। फ्रेंड्स, हॉटस्टार के इस अनाउंसमेंट के बाद Amazon प्राइम एंड जियो सिनेमा ये दोनों HBO कंटेंट के राइट्स के लिए टॉप कैंडिडेट्स बन गए थे। बट 27 अप्रैल को जियो सिनेमा एंड वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की नई डील ने पूरे स्ट्रीमिंग की दुनिया को हिला के रख दिया है। फ्रेंड्स, ये डील आज से शुरू हो रही है, यानी 1 मई से, तो आज से आप जियो सिनेमा पे सारे HBO के कंटेंट्स को देख पाओगे। फ्रेंड्स, कंटेंट में गेम ऑफ थ्रोन्स, सक्सेशन, द लास्ट ऑफ अस, हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसे पॉपुलर शोज और वॉर्नर ब्रदर्स की हैरी पॉटर सीरीज प्लेटफॉर्म पर आज से ऐड कर दी जाएगी। तो भाई, जियो सिनेमा लाइव स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो बन ही गया है। अब अंबानी एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी जियो सिनेमा को टॉप OTT बनाने में लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब अंबानी OTT के मार्केट में उतर ही गए हैं, तो यार सब्सक्रिप्शन प्लान जानना तो बनता ही है। यार, जियो सिनेमा अब तक का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करने वाला है, और यार ऐसे में बाकी OTTs, Amazon प्राइम एंड डिज्नी हॉटस्टार, इनको झटका लगना तो बनता ही है। तो सब्सक्रिप्शन प्लान जानने से पहले सीट बेल्ट बांध लो भाई लोग। यहाँ पे 3 tiers में सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर किया जा रहा है। 2 rupees फॉर डेली प्लान, 99 rupees फॉर मंथली प्लान एंड 599 rupees फॉर एनुअल प्लान। एंड मजे की बात तो ये है कि इन तीनों टीयर्स में आप 4K रिजोल्यूशन के साथ वीडियोस को देख पाओगे। तो यार, बाकी को तो झटका लगना ही था। हमारे अंबानी भैया ने ये जो सडन OTT की दुनिया में एंट्री मारी है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है Amazon प्राइम एंड हॉटस्टार को। डिज्नी हॉटस्टार तो पहले से ही IPL एंड HBO के बड़े नुकसान से दब रहा है, बट साथ में उसके सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे में हॉटस्टार सिर्फ कुछ शोज एंड मूवीज को दिखाकर डिपेंडेंट हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली उन शोज और मूवीज में भी Amazon प्राइम एंड सोनी लाइव उसको कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो भाई, सबसे बड़ा नुकसान तो हुआ है Amazon प्राइम को, क्योंकि मोस्टली वॉर्नर ब्रदर्स एंड HBO के कंटेंट इंडिया में Amazon प्राइम पर स्ट्रीम किया जा रहा था। बट जियो सिनेमा एंड वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के इस डील के बाद वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने अपने किसी भी कंटेंट को इंडिया के किसी और OTT पर स्ट्रीम होने से मना कर दिया है।
हालांकि जो HBO कंटेंट की स्ट्रीमिंग हो रही है आज से जियो सिनेमा पर, वो अभी आप फ्री में देख सकते हो, बट IPL के खत्म होते ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी अपडेट OTT के दुनिया की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।